Hello students, welcome to my class. In this present video, we'll discuss about differentiability. Let fx be a real valued function defined on an open interval ab, then fx is said to be differentiable at c. C lies between a and b if this limit exists. So, पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. एफ एक्स वी आर रियल वैल्यूड फंक्शन. पहली चीज क्या है, एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एल्जेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, बट इट शुड बी रियल, रियल वैल्यूड. इसमें जो भी फंक्शन होगा वो रियल वैल्यूड पर होगा, इमेजिनरी नहीं होगा. दूसरी चीज, डिफाइंड ऑन अ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी. ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए इंटरवल है 3, 5. ओपन का मतलब है या 3 और 5, सपोज एनी नंबर बिटवीन 3 and 5 विल बी इन द ओपन इंटरवल ऑफ 3, 5. Where 3 and 5 आर नॉट इंक्लूडेड मीन्स एक्स, कोई भी नंबर अगर लेंगे एक्स, वो 3 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 3.5, 4.5, 3.9, 4.9, लेकिन 3 और 5 नहीं होगा. अगर 3 और 5 जब भी इंक्लूड होता है, जिसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, उसमें ये इक्वल का साइन और ऐड हो जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं है. सो एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, इट मीन्स ए लेस देन एक्स लेस देन बी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल. नाउ अब हम समझेंगे कि इस लिमिट का क्या मतलब है, और इसके लिए सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, and this is a curve of function y equal to x. अब मान लेते हैं कि ये a है और यहाँ पर b है, कोई पॉइंट c यहाँ पर लाई कर रहा है. जैसे कि पहले बताया, पॉइंट सी ए और बी के बीच में होगा, ये यहाँ पर हमने पहले लिखा है. एक्स की जगह हम यहाँ लिख देते हैं सी लाइज बिटवीन ए एंड बी. अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट एक्स ले लेते हैं, ये भी ए और बी के बीच में ही लेंगे. आप देखें एक्स कोऑर्डिनेट सी का सी है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एफ सी. एक्स की जगह सी डाल देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट एफ सी हो जाएगा, और एक्स है तो एक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एफ एक्स. अगर इस पॉइंट को ए ले लें, इस पॉइंट को मान लीजिए हम बी ले लेते हैं, तो ए बी एक कॉर्ड बन जाएगी, और ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए तो ये हो गया एम. तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ एक्स. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट सी है और बाई कोऑर्डिनेट हो गया एफ सी. ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं. अब मान लीजिए हमें निकालना है स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी.
आपने 11th में पढ़ा है स्लोप ऑफ ए बी, किसी भी स्लोप ऑफ ए पॉइंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. वट इज बाई टू? बाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी, दैट इज एफ एक्स. बाई वन एक्स कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए. एक्स टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, एक्स वन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, एक्स माइनस सी. सो दिस इज स्लोप ऑफ ए बी. अब ये स्लोप अगर टेंजेंट में बदलना है, माने बी और पॉइंट ए दोनों पॉइंट सेम होना चाहिए, कॉन्साइड हो जाए, ओवरलैप कर लें. बी अगर ए की तरफ टेंड करता है धीरे धीरे, तो बी और ए कॉन्साइड हो जाएंगे और एक ही पॉइंट बचेगा, और ये जो लाइन ए बी है वो कॉर्ड ए बी है वो टेंजेंट बदल जाएगी. तो इफ बी टर्निंग टू ए, इट मीन्स बी मीन्स एक्स टर्निंग टू सी. और अगर एक्स और सी की तरफ टेंड करेगा तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी बन जाएगा, कॉर्ड ए बी बन जाएगा टेंजेंट. सो इन दिस केस वील राइट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. ये कहलाएगा अभी स्लोप ऑफ कॉर्ड था, अभी हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट. और वो क्या होगी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. दिस लिमिट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट of fx at x is equal to c and denoted by f dash c or d upon dx of fx at x is equal to c. So f dash c is equal to limit extending to c fx minus fc upon x minus c. ये slope of the tangent is called differential coefficient of the function. ये important limit है, लेकिन हमें already दिया हुआ है कि ये जो limit आई है this should exist and finite. exist करना चाहिए और finite होना चाहिए. और हमने ये पढ़ा है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए. लेकिन चूंकि इसको हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव कहा है, तो इस लिमिट को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल. तो अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. इसके लिए उसी कर्व को फिर से बना लें, और यहाँ पर पॉइंट सी है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट बी ले लेते हैं. ये डी मान लीजिए, ये ई मान लीजिए. ये जो D पॉइंट है, यहाँ पर x x की वैल्यू c माइनस एच है, और E पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू ले लेते हैं
सी प्लस एच, वेयर एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर, सो वेरी क्लोज टू सी, सो इन सच ए वे दैट सी प्लस एच ग्रेटर देन सी, इट इज टुवर्ड द राइट ऑफ सी, एंड सी माइनस एच इज लेस देन सी एंड इट इज टुवर्ड द लेफ्ट एंड ऑफ सी. नाउ अब हमें निकालना है लेफ्ट एल एच डी मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ये आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस. हमें ये प्रूव करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए. जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू. अब हम क्या करेंगे, x की जगह c माइनस एच रखेंगे, और जब x की जगह c माइनस एच रखेंगे तो लिमिट हो जाएगी, जैसे x इज इक्वल टू है सी माइनस एच, एक्स की जगह c माइनस रखेंगे तो h टेंडिंग टू क्या आएगा, जीरो. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो f x की जगह c माइनस एच, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट d पर जहाँ पर x की वैल्यू c माइनस एच है. माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स की जगह कितना लिखा है सी माइनस एच माइनस सी, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, सी और सी कैंसिल हो जाएंगे माइनस एच, सो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई. अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. राइट हैंड डेरिवेटिव सेम मेथड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स की जगह अब हम कितना रखेंगे सी प्लस एच, और एक्सटेंडिंग टू सी है तो यहाँ सी आएगा तो एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा. लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, एक्स की जगह सी प्लस एच माइनस एफ सी, और यहाँ पर एक्स की जगह भी सी प्लस एच माइनस एच, एच एच कैंसिल. तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, एच एच कैंसिल सी. ये दोनों डेरिवेटिव हैं, अगर ये इक्वल हैं तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी. इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव और फाइनाइट भी हो और एंड फाइनाइट, देन कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये वाली जो हम शुरू में ही कह चुके हैं, दिस लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन में जो हमने लिखी थी, जो हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, एफ डस सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी. ये कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो. तो ये जो डेफिनेशन हमने शुरू में लिखी थी, ये लिमिट एग्जिस्ट तो कर ही रही है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट भी होंगे. सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट इक्वल टू सी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी. अब एक एग्जांपल से
हम प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन दिया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के अगर वो इक्वल आते हैं तो ये कहेंगे कि फंक्शन डिफाइंड डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर, और वो फंक्शन हम ले रहे हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो. वी हैव टू शो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना इक्वल आना चाहिए. तो अभी हम पहले जीरो पर निकालना है तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं h टेंडिंग टू जीरो f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यही था. अब c की जगह हमारे पास क्या है, जीरो है. सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच. सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एच, यानी फंक्शन में x की जगह h रखना है. तो यह आ जाएगा h स्क्वायर, बल्कि फिर मिस्टेक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जैसा कि डिस्कस किया था माइनस है, तो माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन माइनस एच अपॉन माइनस एच. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h स्क्वायर, यहाँ से साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आता है, साइन वन अपॉन एच आ गया और ये माइनस एच, एक h कैंसिल और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा. तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एक h कैंसिल और माइनस भी कैंसिल, सो साइन वन अपॉन एच. h तो जीरो है और साइन की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है. तो अ नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस वन एंड वन, माइनस वन और वन के बीच में कोई भी नंबर आए, चूंकि जीरो से मल्टीप्लाइड है तो ये जीरो आएगा. तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो है. अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए. राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, c की जगह क्या लिखेंगे, जीरो प्लस h, वन थिंग मोर f जीरो हमने यहाँ नहीं लिखा, f जीरो जीरो होगा, दिया है मैं x इक्वल टू जीरो पर जीरो है. एफ सी मीन्स एफ जीरो अपॉन एच. तो यह आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एच एफ जीरो जीरो अपॉन एच. सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एच कितना होगा, एफ एच एक्स की जगह एच रख देंगे तो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच अपॉन एच. तो यह आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच साइन वन अपॉन एच. दिस इज इक्वल टू एच क्या है, जीरो है, इंटू अ फाइनाइट नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस वन एंड वन. तो ये जीरो. इस तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव और फाइनाइट भी है, जीरो फाइनाइट नंबर है. Hence, fx is equal to x square sine 1 upon x is differentiable at x is equal to 0. So, this is how we define differentiability. इस method से regular question normally हम नहीं कर सकते, lengthy है. आगे जब आप पढ़ेंगे differentiation में तो उनके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, जैसे x पावर n का nx पावर n माइनस वन, साइन x का cos x,
साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 − x² डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, सो वी विल यूटिलाइज दोज फॉर्मूले। अगर आपको वीडियोस पसंद आए हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप अपने कोई भी ओपिनियन हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी कमेंट्स हैं ज़रूर लिखें, जिससे कि हम अपने इस वीडियोस को जो अपलोड कर रहे हैं और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।